हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 को हल करेंगे। तो सभी छात्र देखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हमको हल करके इसके मूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x² - 7/2x + 3y² = 0। इसको अब हम होल स्क्वायर बनाना है, तो ये हो जाएगा 2 × 7y·4x। अब हमको 7y·4x² - 2bx है, तो b का होल स्क्वायर चाहिए। b यानी 7y·4 का होल स्क्वायर, 7y·4 का होल स्क्वायर + 3y² 7y·4 का होल स्क्वायर को हमने इसमें प्लस किया है, और चूंकि ये टर्म नहीं थी इसलिए साथ में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम इसको देखते हैं क्या बन जाएगा आपका a² - 2ab + b² तो यह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर में x − 7y·4 का होल स्क्वायर + हम यहां देखते हैं 3y² और 7y·4 का जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर करिए तो जो हो जाएगा 7 × 7 = 49/16 = 0। अब हम आगे के टर्म्स देखते हैं, तो x − 7y·4 का होल स्क्वायर + यहाँ पर डिनोमिनेटर में 16 आएगा, यहाँ आ जाएगा 8 × 3 = 24 − 49 = 0। इसको हम और सिंपल करते हैं, यह आ जाएगा −25/16 = 0। यह आ जाएगा आपका x − 7y·4 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा आपका 5/4 का होल स्क्वायर। इसको अब हम आगे हल करते हैं, तो यह हो जाएगा x − 7y·4 = ± 5/4। तो यदि हम पहले प्लस टर्म लेते हैं तो x − 7y·4 = 5/4, तो x = हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 7 + 5 = 12/4 = 3। और यदि 9 माइनस लेते हैं, माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा x − 7y·4 = −5/4, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x = 7y·4 को पक्षांतर किया तो 2/4, और 2/4 यानी 1/2, तो ये आपके आंसर हो गए। पहला आंसर है 3 और दूसरा आंसर है 1/2। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट करते हैं, तो इसको सिंपल करिए तो ये हो जाएगा आपका x²−1/x = 3। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, x² - 1 = x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3x, यह आ जाएगा x², और 3x को हम लेफ्ट में लाते हैं तो −3x − 1 = 0। अब हमको x का फार्मूला मालूम है आपको, यह होता है -b + √b² - 4ac / 2a। तो इसमें हम b का मान कितना है यहाँ पर -3,
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए इक्वल टू है वन और सी इक्वल टू है माइनस वन अपॉन टू इंटू वन। इसको हम थोड़ा और सिंपल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन और माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन टू। तो एक्स इक्वल आ जाएगा आपका थ्री प्लस माइनस नाइन इंटू फोर रूट थर्टीन अपॉन टू, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो इसमें हम मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x है। तो तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस थ्री और इसका व्युत्क्रम, प्लस पाँच वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो पाँच वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस फाइव और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, एक बटे तीन। तो इसको आपको सरल करना पड़ेगा, तो x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ पर x प्लस फाइव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस थ्री इक्वल वन बाय थ्री। तो इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस टू और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल वन बाई थ्री। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा थ्री का टू एक्स मल्टीप्लाई किया सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इंटू फाइव एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा प्लस टू एक्स। तो हम दो लेफ्ट की साइड टर्म को राइट में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स को यहाँ पक्षांतर किया तो टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स और सिक्स को पक्षांतर करेंगे तो माइनस फिफ्टीन और माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल जीरो। तो ये आपका क्या बन गया, वर्ग समीकरण। अब हम इसमें फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला कौन सा है आपका, ये वाला फार्मूला है, तो इस फार्मूले में आप मान पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस बी, तो यानी माइनस माइनस फोर प्लस माइनस रूट माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर फोर, ए इक्वल टू वन और सी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन अपॉन टू इंटू वन। इसको सिंपल कर लीजिए तो फोर प्लस माइनस कितना हो जाएगा सिक्सटीन और प्लस ट्वेंटी वन इंटू फोर एट्टी फोर अपॉन टू। कितना हो जाएगा ये
हंड्रेड, हंड्रेड का वर्गमूल कितना होता है, टेन अपॉन टू। तो हम देखते हैं अगर प्लस लेते हैं तो फोर्टीन अपॉन टू सेवन, और यदि माइनस लेते हैं तो माइनस सिक्स अपॉन टू माइनस थ्री, तो आपके आयु जो है ऋणात्मक तो नहीं होगी, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, सेवन। तो रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, सेवन। तो यहां पर आंसर आ जाएगा सेवन वर्ष।